दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों नई पीढ़ी जितनी जल्दी प्यार में पड़ जाती है उतनी जल्दी उनके प्यार का भूत उतर भी जाता है। इसीलिए आज के समय में सच्चा प्यार मिलना और कर पाना असंभव जैसी चीज बन गया है। कुल मिलाकर प्यार के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि बहुत ही कम लड़के लड़कियां और स्त्री पुरुष ऐसे हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। कुल मिलाकर ज्यादातर लोग स्वार्थ में पड़कर या अपनी इच्छाओं, मौज मस्ती और जरूरतों के आधार पर ही प्यार करते हैं। वहीं अक्सर लोग अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी को दरकिनार करके अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति कहीं और करने लगते हैं, क्योंकि आज के लड़के लड़कियां कम उम्र से ही जिज्ञासा में पड़कर प्यार व्यार करने लगते हैं और इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर आदि पर ऐसे वासनापूर्ण दृश्य देख लेते हैं जिन्हें देखकर उनके मन में एक विचार आने लगता है कि यही प्यार की सच्चाई है और वैसा ही करने के लिए किसी लड़के या लड़की से प्यार कर लेते हैं। और जब यही सब कदम कम उम्र में उठाए जाते हैं तो यह सब उनकी लत बन जाती है या उसके आदि हो जाते हैं। कुल मिलाकर इन सब चीजों के बिना उनका रहना मुश्किल हो जाता है और आज के समय में जो सच्चा प्यार करते हैं कुछ समय बाद किसी न किसी कारण से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, या फिर बाद में सोचते हैं कि हमें प्यार में कुछ मिला भी नहीं, यानी कि इतने दिनों तक प्यार में सिर्फ टेंशन और तनाव का ही सामना करना पड़ा और अपना अमूल्य समय बर्बाद किया, अपनी इमेज और अपनी छवि खराब की, फिर भी हमारे प्रेमी प्रेमिका ने हमारा साथ नहीं दिया। चलो बताते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों सभी चाहते हैं कि उन्हें एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिले जो उन्हें हद से ज्यादा चाहे, जबकि सच तो यह है कि प्रेम पाने से पहले प्रेम देना पड़ता है और देने के बाद भी सच्चा प्रेम मिल जाएगा आज के समय में इसकी कोई गारंटी नहीं। सेकंड नंबर, दोस्तों वर्तमान समय में 80% से ज्यादा लोग प्यार से ज्यादा मौज मस्ती और काम वासना को अधिक महत्व देते हैं और यह करना आसान भी है, लेकिन प्रेम करना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में एक बात सोचने वाली है कि आखिर लोग बिना भावना वाले किसी रिश्ते को बनाने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? जिसके साथ प्रेम करते हैं उसके साथ जिंदगी भर जीने की सोच क्यों नहीं रखते या रखती? कुल मिलाकर जब तक अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना लेते तब तक उन्हें जिंदगी में रस ही नहीं आता। यानी कि बिना मौज मस्ती किए आज के ज्यादातर लोगों के लिए प्यार का कोई मतलब नहीं रह गया। 3rd नंबर, दोस्तों प्रेम सार्वभौमिक होता है और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा इंसान की व्यक्तिगत होती है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, जबकि मौज मस्ती सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहती है। वहीं प्रेम विश्वास, भरोसे, निस्वार्थ भावना और देख रेख पर निर्भर करता है। प्रेम सब जगह नहीं मिलता और प्रेम की पूर्ति कर पाना भी कठिन है, जबकि शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना कठिन नहीं है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।